So we would like to share love and affection by presenting flower. Therefore, presentation of flower, I would like to call the bestowed to present flower, the chief guest to this function and moment. So it's a very honor for all of us that today the great personality who is now amidst us, she is none other than Dr. Naseem Bano, very popular teacher, and she is awardee of many what is called national awards she was given, and she presented papers in many national and international level. She is a great personality. We are indeed very lucky to have her. And now she's going to give her a speech. I hope everybody will pay attention and listen carefully, and she's going to enlighten you. So give a huge round of applause for her. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं एक उर्दू लेक्चरर हूँ, सर ने मुझे इंग्लिश एकेडमी में इनवाइट किया है। आप गेस कर सकते हैं क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हाल ही में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की सरकारी ज़बान उर्दू करार दिया गया है, और साथ ही आंध्र प्रदेश में भी दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा उर्दू को मिला है। तो इस बात मैं जब सर मुझे कल फ़ोन किए कि आपको एज ए गेस्ट आना है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बताएं ना, कई जगह हम जाते हैं, मतलब मुझे बुलाया जाता है, चाहे आप वो कौमी सतह की बात करें, नेशनल कहें, इंटरनेशनल कहें, हम जाके आते रहते हैं। लेकिन सर का जिस तरीके से बुलाना था कि आप आएँ, और आज मैं जब आपके सामने मौजूद हूँ, सच बताएं मुझे बेहद खुशी हो रही है। इतनी खुशी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। वजह ये है कि जो रब्बानी एकेडमी सर ने शुरू की है, चंद महीने हुआ सर ने इसका ज़िक्र किया, एक बेहतरीन शुरुआत है जो सर ने की है। अंग्रेज़ी ज़बान बैनुल अक़वामी ज़बान है, और इसका सीखना लाजमी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उर्दू और अंग्रेज़ी का मेल है। तो जितनी किताबें अंग्रेज़ी की हैं उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, और उर्दू की जितनी किताबें हैं उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया जाता है।
तो दोनों जबानों पर आपको बराबर से उबूर होना चाहिए। और सर इसकी बेहतरीन मिसाल है गुलाम रब्बानी सर, क्योंकि नुसरत मैडम और रब्बानी सर स्टूडेंट रहे हैं और हमने इनको इनके तालिबे इल्मी के दौर से देखा है। और आप ये ना समझें कि ये अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगी डंके की चोट पर कि जितनी उर्दू ये इतनी अच्छी बोलते हैं, मेरा कोई तालिबे इल्म इतनी बेहतर उर्दू नहीं बोलता जितनी रब्बानी सर बोलते हैं। बहुत वेरी एक्टिव कहेंगे आप, जब आपने क्या कहा अभी, किसी ने कहा नेहा ने शायद के वेरी वंडरफुल मैन कहा, ही वॉज वंडरफुल। जब वो स्टूडेंट थे तब आप इतना एक्टिव के ना सिर्फ क्लास में बल्कि जो भी कंपटीशन नात के हम्द के वगैरह होते उसमें बराबर से हिस्सा लिया करते थे। वो जो जज्बा हम आज इस जिस मुकाम पे हैं, आज जो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन एकेडमी की शुरुआत, रब्बानी एकेडमी की शुरुआत इन्होंने की है, मैं समझती हूँ मुस्तकबिल में ये बहुत शानदार होगी, याद रहे और इसका नाम बड़ा रोशन रहेगा। वजह ये है कि इन्होंने एक ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के लिए इस एकेडमी की शुरुआत की है जो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। जैसे कि आप सब देखें, हम आपको क्लासरूम्स में देखते आए हैं, बी फ्रैंक हो मैडम आपको मैं, हम इनको स्टूडेंट जब आए थे दाखिला लेकर फर्स्ट ईयर में देखते हैं, ये उठ के अपना रोल नंबर नहीं बोल सकते थे, सच कहूँ मैं, इनको बुरा भी लग रहा होगा मैडम ऐसे कैसे बोल रही हैं, इनमें सलाहियतें बहुत हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम में उठाते उठते नहीं हैं, वहीं सर झुका कर बैठे रहते हैं। आज इनको स्टेज पर यहाँ बोलता हुआ देख वाकई खुशी के साथ मुझे बड़ी हैरानी होती है। और ये चीज़ बहसियत उस्ताद हम बारहा कहते रहते हैं क्लासरूम्स में कि आप बोलो, आप आगे आओ, लेकिन आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं। सर ने इस एकेडमी के तहत वो प्लेटफॉर्म आपको दिया है कि आप आगे बढ़कर आए, और आपने देखा इतने मुख्तसर से अरसे में आपने कितना कुछ सीख लिया है, ये लायक तहसीन बात है। इसके लिए मैं नुसरत मैडम को और साथ ही रब्बानी सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। नुसरत मैडम को इसलिए, अभी आपने बैकबोन कहा, बैकबोन का जिक्र कर रही थी आप कि एक वुमेन है बैकबोन होती है मेन के लिए, तो ये दोनों बड़े सपोर्टिव हैं, याद रहे इस एकेडमी को एक साथ। मैं कहूँगी कि आप प्रेसिडेंट हैं तो मैडम को सेक्रेटरी बना ले इस एकेडमी का, आइंदा चल कर ये हुबली सिटी में सबसे बेहतर एकेडमी साबित होगी। और आपने आप में से किसी ने इस बात का जिक्र किया था कि यूट्यूब चैनल है, उसके ज़रिए भी ये बात याद रखें, आज का जो डिजिटल ज़माना जिसे आप कहते हैं उसमें आकर पढ़ना, ये कौन पढ़ता है, मैं और आप पढ़ने जाते हैं, हमको ज़रूरत है सीखने के लिए तो आते हैं, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं कि अपनी मसरूफियात को बाला दाख रख कर वो आ नहीं सकते। उनके लिए जो चैनल की सर ने शुरुआत की है ये हज़ारों लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा मैं समझती हूँ, और इसके लिए भी सर मुबारकबाद देती हूँ कि घर बैठे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जवानों को बूढ़ों को हर उम्र का लिहाज नहीं है, याद रहे उसके तहत सर को आप सुन रहे हैं और आपसे मुस्तफीद हो रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो ये एकेडमीज़ का मतलब क्या होता है, खोलने का, ट्यूशन भी नाम दिया जा सकता था, एक गैदरिंग भी नाम दिया जा सकता था इसका, लेकिन एकेडमी ये होती है लोगों में खिदमत खल्क का जज्बा जगाया जाए। एकेडमी जो लोग कायम करते हैं वो आम लोग नहीं होते, याद रहे उनमें वो सलाहियतें होती हैं, वो जज्बा होता है, तभी जाकर वो एकेडमी की शुरुआत करते हैं। ये तो शुरुआत है, आइंदा चलकर ये बहुत ही कामयाबी हासिल करेगी, और आप ही इसके बुनियाद गुजार हैं, आपने जो बुनियाद रखी है तो जाहिर है आगे चलकर ये आपके लिए ही नहीं हम सब के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो रही बात अब एकेडमी की जो शुरुआत आपने की है, इसमें जैसे आपने अभी मैंने देखा आपने जो स्टेज पर पेश किया, मतलब क्या है, जैसे आप जोक्स कह रहे थे, अपने अपने मोटिवेशनल स्पीच आपने कहा, इसको आपने अपने तरीके से रखा। एक सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी जगह तो इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसको सिखाने का तरीका आपने सर से ही सीखा है ना, लेकिन बहुत बेहतरीन बात यह है कि मुख्तसर से अरसे में आपने मुकम्मल बात रखी, और वो भी बड़ी बेहतरीन तरीके से रखी है,
जो भी जितने बच्चे यहाँ पर आकर अपनी बात रख कर गए हैं वो बहुत बेहतरता तरीके का, और यही तरीके का चाहिए याद रहे। जब आप बात करते हैं, मैडम की स्पीच भी आपने सुनी, आपने देखा उनको, मैं वही सोच रही थी कि आप बहुत बोलेंगी, लेकिन उन्होंने इतने मुख्तसर अरसे में कैसे मुकम्मल बात को अपने अंदर रख दिया। और सबसे अहम बात रब्बानी सर के मुतालिक जो इन्होंने कही स्क्रीमिंग का, जाहिर सी बात है घर में जब आपके शौहर नामदार हैं तो उतना चिल्लाने का हक तो बनता है। सच कहे ये बहुत अच्छी शख्सियत है। जाहिर है ये जो शख्सियत इनकी है, ऐसी शख्सियतें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं याद रहे। इनके अंदर अना का जज्बा बिल्कुल नहीं है, ईगो जिसे आप कहती हैं अंग्रेज़ी में। ये हर किस्म के तबके को याद रहे, ना सिर्फ मालदार हैं, मुतवस्सित तबका हैं, गरीब है, सबके लिए एक सा रवैया रखते हैं, और बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ अपने खास कर तलबा व तालिबात के साथ पेश आते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने सिखाया है आपको, मैं समझती हूँ एक सबसे बेहतर शुरुआत है। और आपने अभी शुरू किया है इसको, तो इसको बेहतर तरीके से सीखें और इस पर आप अमल पैरा भी रहे। ये नहीं कि चार दीवारी की हद तक ही हम इसको बोलते हैं, बल्कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप वहाँ पर भी बोला करें इसको। अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों से जब आप गुफ्तगू करते हैं यही चीज़ें लिया करें। जैसे हम क्लास में कहते रहते हैं उर्दू आपको नहीं आती है, सबसे हैरानी की बात